हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पेंटिंग ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने ये सिटीस्केप बनाऊंगा। इसके लिए मैंने 18x24 का कैनवास यूज़ किया है और ये पेंटिंग मैं ऑयल कलर के साथ करूंगा। इसके लिए पहले मैंने कैनवास को पूरा ब्लैक कर लिया था और फिर ये पेंटिंग उसके ऊपर किया है। बहुत ही सिंपल पेंटिंग है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे साथ, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलो शुरू करते हैं पेंटिंग। इसके लिए मैंने ब्लैक कैनवास लिया है 24x18 इंच का और ऑयल कलर्स में हम आइवरी ब्लैक, लेमन येलो, रेड, ग्रीन, पर्शियन ब्लू और वाइट यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ब्लैक कैनवास के ऊपर नीचे एक टेप लगा लेता हूँ। ये हमारा हॉरिजन लाइन है और इसके हिसाब से हम अब कलरिंग करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ा सा एटमोसफियर पेंट कर रहा हूँ। जो बैकग्राउंड है उसके लिए मैं रेड और वाइट और इसका मिक्स करके थोड़ा सा एक स्काई का टोन पेंट कर रहा हूँ, जो रात में दिखाई देता है। बहुत ही डस्की और फेडेड टोन है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत वाइट भी नहीं करना है और बहुत रेड भी नहीं करना है, क्योंकि हमें ये पेंटिंग में रात का सीन पेंट करना है। आप देख सकते हैं रेफरेंस फ़ोटो मैंने लेफ़्ट साइड में ऊपर वाले कॉर्नर पे ले रखा है। मैं पूरा उसको कॉपी नहीं करूँगा, उसमें थोड़ा सा अपना भी इनोवेशन डालूँगा। तो सबसे पहले हम अब शुरू करते हैं बिल्डिंग्स को पेंट करना। इसके लिए मैंने पर्शियन ब्लू और आइवरी ब्लैक को मिक्स किया और ये टोन बनाया है। किसी किसी बिल्डिंग में मैं ब्लू को ज़्यादा यूज़ करूँगा, किसी बिल्डिंग में ब्लैक को यूज़ करूँगा, जिससे थोड़ा वेरिएशन रहेगा तो सारी बिल्डिंग्स अलग अलग हमको दिखाई भी देगी और हम उसको अच्छे से पेंट भी कर सकते हैं। तो हर बिल्डिंग का टोन थोड़ा थोड़ा अलग रहेगा, मोस्टली वो डार्क ही रहेगा, पर किसी में मैं ब्लू ज़्यादा यूज़ करूँगा, किसी में ब्लैक ज़्यादा यूज़ करूँगा। पहले मैं सोच रहा था कि ये जो बिल्डिंग्स के लिए मैं रूलर या कोई स्टिक यूज़ करूँगा जिससे स्ट्रेट लाइन बनाऊँ, फिर मैंने डिसाइड किया कि ब्रश से ही ट्राई करते हैं। इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आता है। आप देखिए, मैं बिल्डिंग के जो लाइन्स हैं उसको स्ट्रेट नीचे तक लेके आ रहा हूँ। बहुत ही स्टडी रखना पड़ता है अपना हाथ और एक प्रेशर के साथ उसको नीचे लेके आते हैं। थोड़ा सा भी हिलने पे वो बिल्डिंग का शेप बिगड़ जाएगा, क्योंकि सारी बिल्डिंग्स का शेप अपना जो है लाइनर है, तो इसके लिए लीनियर है। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है, अपने ब्रश को कंट्रोल करके रखना है जब हम बिना किसी सपोर्ट के स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी किसी बिल्डिंग में मैंने ब्लूइश टोन रखी है, किसी बिल्डिंग में ब्लैकिश टोन रखी है, तो इससे हमें सारी बिल्डिंग्स अलग अलग दिखाई दे रही हैं। बड़ा ही मज़ा आ रहा है ये पेंटिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेंटिंग नहीं है, आप सभी लोग कर सकते हैं और बहुत इजी है ये। तो हम इस तरह से एक एक करके बिल्डिंग्स बना लेते हैं और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको पेंट कर सकते हैं। ये पेंटिंग मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था बनाने की। मैंने काफ़ी सारे सिटीस्केप्स बनाए हैं, बट इस तरह का सिटीस्केप मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। इस तरह की पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको देखने को मिल जाएंगे यूट्यूब पे भी, पर मैं थोड़ा सा इसको और फिनिशिंग और बहुत ही रियलिज़म के साथ बनाने की कोशिश करूँगा, तो आपको ये पेंटिंग कम, फोटोग्राफ ज़्यादा लगेगा। यही मेरा टारगेट है, इसको इतना रियलिस्टिक बनाना कि आप एकदम से देखें तो आपको ये फोटोग्राफ लगे। ये पेंटिंग आप एक्रेलिक कलर के साथ भी बना सकते हैं। मैं इस पेंटिंग को ऑयल कलर के साथ बना रहा हूँ, पर आप इसको एक्रेलिक कलर के साथ भी बना सकते हैं जिसको ऑयल कलर के साथ बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मार्केट में ब्लैक कैनवास भी मिलते हैं, अगर आपके पास ब्लैक कैनवास अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी वाइट कैनवास के ऊपर पहले एक दो कोट ब्लैक के मार के, ब्लैक कलर के साथ मार के उसको फिर आप कुछ दिन सूखने दें या कुछ घंटे सूखने दें और फिर ये पेंटिंग ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ब्लैक कैनवास हो तभी ये पेंटिंग कर सकते हैं, आप ब्लैक कैनवास की जगह
वाइट कैनवास के ऊपर ब्लैक कलर के साथ पहले कोटिंग करिए, थोड़ा सुखाइए उसको, और फिर उसको आप ब्लैक कैनवास की तरह यूज़ कीजिए। ये सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे बस ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो एकदम ऊपर से नीचे तक एक लाइन में आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है और ये इम्पॉसिबल नहीं है, आप हर कोई इसको कर सकता है। आप पीछे कबूतर की आवाज़ सुन सकते हैं, ये कबूतर मेरे विंडो में आके हमेशा इसी तरह से गुटरुंगू करता रहता है। जब मैं ऑयल कलर के साथ पेंट करता हूँ तो कभी कभी मुझे रिएक्शन होता है, इसके लिए मैंने अब ग्लव्स यूज़ करना शुरू कर दिया है। ख़ास करके बारिश के सीज़न में जो है, बिना ग्लव्स के अगर मैं करता हूँ तो मुझे बहुत इरिटेशन होता है कभी कभी किसी कलर से, तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही, आप देख सकते हैं पेंटिंग कितना अच्छा और क्लीन होता जा रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे पेंट करने में। मैंने जैसे बताया बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। और बहुत ज़्यादा कलर्स भी नहीं यूज़ हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 5-6 कलर्स ही हैं जो पूरी पेंटिंग में यूज़ करूँगा मैं, और बहुत कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैंने नीचे का जो टेप था वो निकाल दिया है, आप देखिए एक हॉरिजॉन लाइन बन गया है। कुछ कलर निकल गया था तो उसको मैं रीपेंट कर रहा हूँ उसी टोन के साथ। तो बहुत ही क्लीन इसमें हो जाता है ये टेक्निक, जो टेप लगा के हॉरिजॉन लाइन की मैंने पहले भी यूज़ किए है, जहाँ मैं सी स्केप्स वगैरह बनाता हूँ उसमें भी मैं यूज़ करता हूँ। अब हमें थोड़ा रिफ्लेक्शन बन के ऊपर काम करना है, नीचे जो पानी है उसमें पेंटिंग में रिफ्लेक्शन बना रहे हैं, तो उसके लिए सेम कलर के साथ हम उसी प्रोपोर्शन में बना रहे हैं रिफ्लेक्शन उसका। अब जो मेन काम है वो हमारा लाइटिंग का है, वो पेंटिंग को बहुत ही आकर्षक बनाएगा। जो लाइटिंग हम लगाएंगे बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग लगेगी है। अभी तक मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ जिस तरह से मैं पेंट कर रहा हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये पेंटिंग करने में। अब देखिए उसी टोन्स के साथ मैं थोड़ा रिफ्लेक्शन पे काम करके उसको कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसके बाद हम लाइटिंग के ऊपर काम करेंगे। तो लाइट बनाने के लिए मैं वाइट कलर यूज़ करूँगा, लेमन येलो यूज़ करूँगा, थोड़ा सा रेड भी यूज़ करूँगा, थोड़ा ग्रीन यूज़ करूँगा जहाँ पर ग्रीन लाइट है। तो आप अपने हिसाब से कलर्स चूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मैं देखिए येलो में वाइट मिलाकर लाइटिंग पे काम करना शुरू किया। इसके लिए बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होता, आप देखते हैं इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में कुछ लाइटें जली रहती हैं, कुछ लाइटें बंद रहती हैं, तो वो इफ़ेक्ट अपने को लेके आना है। एकदम से अपने को बच्चों जैसा पेंट नहीं करना है, तो आपको कहीं कुछ लाइट का शेप्स अलग बनाने हैं, कहीं कुछ लाइट्स के सिमिट्री बनानी है, कहीं कुछ लाइट्स को आपको छोड़ देना है बीच में, जिससे आपको एक नेचुरल फीलिंग आए, मतलब
आपको ऐसा ना लगे कि बच्चों की पेंटिंग है कुल मिला के। ये जो इस तरह से बन रहा है पेंटिंग, मेरे को लगता है बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, और ये किसी के भी ड्राइंग रूम में अगर आप देखेंगे लगा के तो बहुत अच्छा लगेगा एकदम। सबसे जो मेन काम है इसका, जो लाइट का, आपको किस तरह से आप उसका जजमेंट लेके आप शोकेस कर रहे हैं लाइटिंग को, वो इम्पॉर्टेंट है। और जो हॉरिजॉन लाइन है वो हम ऐसे एक रोड जाता हुआ है पूरा क्रॉस थ्रू, और उस पर बहुत सारी लाइटिंग हम करेंगे, जिसकी वजह से जो है आपको बड़ा मज़ा आएगा उसको बनाने में भी, जो रोड का इफ़ेक्ट है। रोड पे काफ़ी सारी चहल पहल होती है, लाइट्स होती हैं, कार्स जाती हैं, तो वो मैं पेंट करूँगा। आप देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन के लिए भी मैं उसी तरह से उसको नीचे लेके आ रहा हूँ। अभी रिफ्लेक्शन पे मैं फिर से एक बार काम करूँगा, पहले मैं ऊपर के एरिया पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जितना हो सक रहा है उतना मैं रिफ्लेक्शन के ऊपर काम कर रहा हूँ, पर मैं इसको रीडू करने वाला हूँ फिर से जब मैं ऊपर का पोर्शन कम्प्लीट कर लूँगा। जब हम बचपन में इस तरह की बिल्डिंग्स को टीवी पे या सिनेमा हॉल में देखते थे, बॉम्बे फॉरेन में, बड़ा ही एक मन में फीलिंग आता था कि किस तरह से लोग रहते होंगे इसमें और किस तरह से इनकी लाइफस्टाइल होगी, बड़ा ही क्रेज़ था एक जानने का। बाद में मैं भी जॉब के सिलसिले में बॉम्बे दिल्ली आया, फिर काफ़ी बार बाहर भी गया हूँ, US ऑस्ट्रेलिया, अब वो बिल्डिंग्स में खुद भी रह चुके हैं, तो वो जो एक कौतूहल था या क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया है। बट अभी भी इस तरह के जो सीन्स होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी, दिल्ली में भी आप देखेंगे, बॉम्बे में देखेंगे, मरीन ड्राइव के आसपास का जो एरिया है बॉम्बे का, रात के समय बड़ा ही खूबसूरत लगता है, बहुत सारी लाइटिंग चलती हैं अलग अलग घरों में, अलग अलग टावर्स में, बिल्डिंग्स में, एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है वो, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं कि मैं जो स्ट्रोक्स हैं अपने वो बहुत ही अनइवन लगा रहा हूँ, बट उसमें एक सिमेट्री है, कौन से फेज़ में किस तरह से आप स्ट्रोक लगा रहे हैं वो भी आप देखिए। और जो अब जैसे मैंने बताया था कि जो रोड है नीचे उसके ऊपर आर्बिट्ररी मैं लाइटिंग बना रहा हूँ, जिससे दूर से ऐसा लगेगा जैसे काफ़ी सारी गाड़ियाँ चल रही है उस रोड के ऊपर, और जो रोड के ऊपर लाइट्स होती हैं वो चमक रही है। देखिए फिश टैग में दो फिश दिख रही हैं आपको, मेरी फेवरेट फिशेज नहीं है, काफी सालों से हैं। बहुत सारी लाइट चमकती हुई रोड के ऊपर, एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा है वाकई में। जब आप किसी मेट्रो सिटी में किसी बिजी रोड पे जाते हैं तो आपको बहुत ढेर सारी कार्स और बहुत सारे चकाचौंध दिखती है, वही चकाचौंध लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फैन ब्रश यूज कर रहा हूँ पर वो उतना काम जैसा मेरे को चाहिए था वैसा इम्पैक्ट आ नहीं रहा उससे, तो मैं वापस फैन ब्रश छोड़कर मैंने पॉइंटेड ब्रश लिया है 0 नंबर का,
जो ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है मेरे को लाइटिंग के लिए। मैं सोचा था कि फैन ब्रश यूज़ कर लूँगा, बट वो उतना इफेक्ट नहीं आ पा रहा जो मुझे चाहिए था। आप देखिए स्ट्रोक्स भी लाइटिंग के लिए, कहीं मैं ऐसा वर्टिकल, कहीं मैं डॉट्स, कहीं मैं अलग अलग पैटर्न की लाइटिंग कर रहा हूँ, जिससे आपको एक, जब आप ओवरऑल पेंटिंग को देखेंगे तो आपको रियलिज्म दिखाई देगा। क्योंकि कोई भी आप लाइट दूर से देखते हैं सब एक जैसी नहीं होती हैं, कहीं पर वाइट लाइट्स होती हैं, कहीं येलोइश होती हैं, कहीं आपकी रेड लाइट होती है, बहुत सारी डिफरेंट लाइट्स होती हैं। तो वही मैं इसमें कैप्चर कर रहा हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था तो मेरा जो ऑफिस था वो अराउंड 58 लेवल का था, 58 मंजिल। तो जब हम अपने ऑफिस से देखते थे पूरा सिटी, तो एक अद्भुत नज़ारा होता था वो, और रात में तो बहुत ही अमेजिंग दिखाई देता था वहाँ से व्यू। तो मुझे बहुत याद आ रही है उस बिल्डिंग्स की जहाँ पर मैं काम करता था। मेलबर्न सेंटर पे वो ऑफिस था जिसमें मैं काम करता था, और वहाँ मैं कार्नेगी करके एक सबब है वहाँ रहता था। 2007-08 की बात बता रहा हूँ, जब हमारे यहाँ मेट्रोज वगैरह इतनी थी नहीं, तो वहाँ पर ऑलरेडी जो है मेट्रो थी और बहुत ही अच्छी सुविधाएं थी कम्युनिकेशन की। अब हम बड़ी वाली बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत एग्जैक्टली मैं ऊपर जो पिक्चर है उसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया लिया है। और इसमें तो आप जितना अपना इनोवेशन डालेंगे लाइटिंग में और शेप्स में उतना अच्छा रहता है। तो एकदम से कॉपी नहीं कर रहा हूँ उसको, थोड़ा रेफरेंस लिया है। लगभग हमारी सारी बिल्डिंग्स पे लाइटिंग का इफेक्ट हो गया है। अभी जो है 2-3 बिल्डिंग्स और बची हैं, इसको फटाफट हम कर लेते हैं और फिर हम काम करेंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, किस तरह से हम उसके शेडोज और किस तरह से लाइटिंग का इफेक्ट नीचे आएगा वो हम देखेंगे। ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी रहती है, लोग घरों में कम, ऑफिस और सड़कों पे ज़्यादा रहते हैं, काफ़ी टाइम लगता है कम्युनिकेशन में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी कम्यूट करने में बहुत टाइम लगता है, और उसका भी एक अपना क्रेज़ है। लोग बड़े शहरों की तरफ इसीलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ पैसा होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और ख्वाब होते हैं उनके उस बड़ी सिटी में जाके अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो मैं थोड़ा रेड कलर भी इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, कुछ लाइट्स में रेड कलर्स लगा रहा हूँ जिससे एक वेरिएशन आएगा, रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, इस तरह के डिफरेंट लाइट्स। कितनी खूबसूरत लग रही है पेंटिंग, बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है पेंटिंग देखकर। और जब आप लोग अपनी अपनी पेंटिंग बनाएंगे इस तरह की, आप ज़रूर कमेंट में मेरे को भेजिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी भी मेंशन करता हूँ, उसमें भी आप मेरे को भेज सकते हैं। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग ने इस पेंटिंग को इस तरह से बनाया और क्या सीखा मुझसे। ये देखिए ग्रीन कलर लगा रहा हूँ अब मैं, बहुत ही
अच्छा कलर बना है इसमें, बहुत डार्क ग्रीन नहीं है, ग्रीन का टच है और फिर येलो है। अब मैं पेंटिंग नाइफ के साथ थोड़ा सा उनके ऊपर जो एंटीनाज या रॉड्स होती हैं जिसके थ्रू जो अगर बिजली गिरती है तो उसको हिंदी प्योर हिंदी में तड़ित चालक बोलते हैं, जो बिजली को का इम्पैक्ट जो होता है गिरने वाली उसका बिल्डिंग के ऊपर नहीं आने देती और वो अर्थ में ले जाती है। तो ख़ास करके ऊंची बिल्डिंग्स में ये लगा रहता है। थोड़ा सा फाइनल टचेस है बिल्डिंग के ऊपर, जब नाइफ से आप काम करते हैं तो उसका काम करने का तरीका अलग होता है, आप देख सकते हैं। मैंने कुछ पेंटिंग्स अपनी सिटीस्केप की केवल नाइफ से भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर मेरे वीडियोस हैं सिटीस्केप के, जो नाइफ पेंटिंग है उसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अलग आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको देखने में, उसको ज़रूर देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जो पानी का सतह होती है उसमें एक ट्रांसपेरेंट लुक आता है, उसके लिए ये इस तरह का स्ट्रोक्स और ट्राई कर रहा हूँ। कुछ कुछ उसमें बीच में वेरिएशंस भी हैं, कुछ डार्क टोन्स भी डाल दिए हैं जिससे वो नेचुरल लगे। तो ये पेंटिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आया, आप ज़रूर ट्राई कीजिए पेंटिंग इस वीडियो को देखकर, बहुत ही इजी है और उसका जो आउटकम है आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये पेंटिंग मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है और ये किसी के भी ड्राइंग रूम में आप जब इस तरह की पेंटिंग लगाएंगे तो उस रूम का एक अलग ही आकर्षण रहेगा। ये पेंटिंग कपड़े से थोड़ा रब कर रहा हूँ जिससे और थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो ये पेंटिंग बनाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, ये पूरी पेंटिंग मैंने करीबन 3 से 4 घंटे में बना ली है। जनरली मेरी पेंटिंग्स को 15 से 20 घंटे लगते हैं जो मैं बनाता हूँ, पर इस पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा है, तो और इजी भी है और दिखने में भी सुंदर है, तो ये सारी चीज़ें इसमें विन विन है। अब हम वापस से लाइटिंग हमने उसको रब किया था फिर से उसको करेंगे, तो अब जो बेस है आप नीचे देखिए वो एक वाटर इफेक्ट आ गया है, अब उसमें हम लाइटिंग का इफेक्ट लगा रहे हैं, तो उससे और वो काफ़ी नेचुरल और रियलिस्टिक बन जाएगी पेंटिंग। इस तरह की पेंटिंग आप भी कर सकते हैं,
बहुत ही हल्के हाथों से ब्रशिंग है, येलो और वाइट को लोड किया है मैंने ब्रश में। इस तरह से हमारी ये पेंटिंग लगभग बन गई है। आपको ज़रूर मज़ा आया होगा, प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको ये पेंटिंग कैसे लगी, आपको प्रोसेस कैसे लगा, आप मुझे और क्या सजेस्ट करते हैं कि मुझे किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए। आपके कमेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप ज़रूर ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर वीक में एक पेंटिंग का ट्यूटोरियल डालता हूँ और जिसमें मैं खुद भी सीखता हूँ और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे साथ एक जर्नी है, आप उस जर्नी पे मेरे साथ चल सकते हैं और आप अपनी पेंटिंग स्किल्स सुधार सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मैं पेंटिंग्स को कहीं फॉर्मली सीखा नहीं हूँ मैं किसी से, ये सेल्फ लर्न है मेरा। जो भी सीखा है मैंने अपने आप सीखा है और कुछ लोगों से ज़रूर मैं पूछता रहता हूँ और उनकी सलाह लेता हूँ, जो बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट से बात करने से काफ़ी कुछ पता चलता है। तो ये अच्छी बात है कि आप भी पता करते रहिए, सीखते रहिए। और ये एक ऐसी हॉबी है जो एक प्रोफेशन में भी चेंज हो सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो लोग सीख रहे हैं अभी वो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो अपनी पेंटिंग की स्किल्स को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। विद दैट थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।